ईद पर नैब लाहौर में बड़ी मुलाकातें, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मरियम हमजा और यूसुफ अब्बास से मिलने पहुंच गए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, जुनेद सफदर भी मियां शहबाज शरीफ के हमराह थे। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तमात, फर्जंदान इस्लाम बारगाह इलाही में सर बसजूद, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं, हर उठने वाला हाथ कश्मीरियों के लिए भी दुआ गो। मुल्क भर में ईद उल अज़हा सादगी से मनाई जा रही है, शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की भी अदा। बारिशी पानी से परेशान तो है लेकिन ईद की खुशियां भी तो मनाना है। कराची में खातिन ने कुर्बानी के बाद किचन संभाल लिए, चटपटे खाने तैयार, शाम के पकवानों का भी शेड्यूल फाइनल। लाहौरी भी ईद पर बड़ी दावतें उड़ाने को तैयार, रान रोस्ट कराने के लिए एडवांस बुकिंग करा दी। शहर में बकरे दुमरे के रान रोस्ट का रेट 450 रुपए मुकर्रर, गाय और ऊन की रान के 500 फी किलो रोस्ट होगी। ईद पर नैब लाहौर में बड़ी मुलाकातें, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मरियम हमजा और यूसुफ अब्बास से मिलने पहुंच गए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, जुनेद सफदर भी मियां शहबाज शरीफ के हमराह थे। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तमात, फर्जंदान इस्लाम बारगाह इलाही में सर बसजूद, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं, हर उठने वाला हाथ कश्मीरियों के लिए भी दुआ गो। मुल्क भर में ईद उल अज़हा सादगी से मनाई जा रही है, शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की भी अदा। बारिशी पानी से परेशान तो है लेकिन ईद की खुशियां भी तो मनाना है। कराची में खातिन ने कुर्बानी के बाद किचन संभाल लिए, चटपटे खाने तैयार, शाम के पकवानों का भी शेड्यूल फाइनल। लाहौरी भी ईद पर बड़ी दावतें उड़ाने को तैयार, रान रोस्ट कराने के लिए एडवांस बुकिंग करा दी। शहर में बकरे दुमरे के रान रोस्ट का रेट 450 रुपए मुकर्रर, गाय और ऊन की रान के 500 फी किलो रोस्ट होगी।